नमस्कार। अब हम लोग आएंगे सर्कल में। सर्कल टॉपिक 3, इसमें थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है, ये है पेज नंबर 68। पेज नंबर 68, टॉपिक है सर्कल, मैथ्स 2। इसमें इसने बताया है, क्या बताया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, इसका अपोजिट एंगल ये सप्लीमेंट्री होता है। What do you mean by supplementary? Supplementary मतलब one sum of the two angle is equal to 180, उसको supplementary बोलते हैं। और अगर sum of the two angle 90 degree है, तो उसको complementary बोलते हैं। तो आपको prove करना है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। मतलब अपोजिट एंगल 180 का है, ये आपको प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम वहां जाने के पहले आपको कुछ फार्मूला बताएंगे। फार्मूला सीखने के बाद फिर आक्रमण होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम पे। फार्मूला क्या है कि ये सर्कल है और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल। तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसका नाम है एंगल एबीसी। ये हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क होता है। तो ये एंगल जो है, इसने अपना दोनों हाथ ऐसे किया है। मेरा हाथ जगन्नाथ, मतलब मैंने दोनों हाथ फैला दिया, तो इसमें जितना कवर करेगा एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हमेशा आधा होता है, हाफ होता है। इसलिए हाफ मेजर आर्क ए एक्स सी, इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, समझ गए? तो ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पूरा सर्कल जो होता है, इसका टोटल आर्क 360 डिग्री होता है। आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये दो फार्मूला के साथ हम आक्रमण करने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, तो अब हम इसको हटाते हैं और सीधा आक्रमण साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। चलो भाई, आप देखिए, ये जो एंगल दिख रहा है, इसका नाम डीएबी है। इसने ऐसा हाथ करके कवर किया है। देखो, इसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, तो इसने इंटरसेप्ट कर दिया है। किसको इंटरसेप्ट कर दिया? बीसीडी को। तो दिस एंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मेजर एंगल, पहला मेजर एंगल बीएडी इज इक्वल टू 1/2। अभी आपको सिखाया था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये एंगल ऐसे हाथ करके आर्क को पकड़ा है, उसका नाम है बीसीडी। तो दिस एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, मेजर आर्क बी सी डी। और इसका रीजन लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। चलो, अब इसके सामने वाले को देखो। इसके सामने कौन बैठा है? ये एंगल, तो इसका नाम है बी सी डी। तो हम लोग लिखेंगे मेजर एंगल बी सी डी इज हाफ ऑफ द मेजर आर्क। यानी कि जब हम इधर से देखेंगे, तो इधर से देखते समय इसने दो अपना दोनों हाथ ऐसा फैलाया है और किसको इंटरसेप्ट किया है? पुनः तेरे पकड़ने वाला इतुन तेरे हाथ जो आर्क दिशा का है, या आर्क ला तेरे ऐसा दोनों हाथ आए, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, तो ऐसा हाथ
दिलाय ना तो पकडला कुणाला डी ए बी किंवा याला बोलू शकतो बी ए डी तो म्हणून मी लिहित आहे आर्क बी ए डी तो मेजर आर्क बी ए डी आणि याला कारण आपण काय लिहिणार टोच बाय इनस्क्राइब्ड एंगल थिअरम चलो बाबा आता हे म्हणलं या दोघांच्या बेरीज 180 येतो का मला पण माहित नाही चलो आपण याला बेरीज करूया है ना तो इकडच्या बेरीज केला मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी बराबर इकडच्या बेरीज बराबर तिकडच्या बेरीज मतलब सम ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ दैट साइड तो वी आर टेकिंग हियर 1/2 मेजर आर्क बी सी डी प्लस 1/2 मेजर आर्क बी ए डी आता आपण या दोन्ही साइडला बघितला 1/2 दोघांचा काय आहे कॉमन तो इथे राहिला मेजर आर्क बी सी डी प्लस इथे राहिला मेजर आर्क बी ए डी तो आता जर आपण बघितला हो बी सी डी मध्ये बी ए डी टाकला तर चित्र मध्ये बघून घ्या बी सी डी त्या बाजूच्या सर्कल बी ए डी या बाजूच्या सर्कल दोन्ही हाफ हाफ मिलवला तो मेजर आर्क ऑफ द काय भेटत आहे सर्कल अखंड सर्कल भेटत आहे मेजर आर्क ऑफ सर्कल आणि मी तुम्हाला सांगितलं आहे की आर्क ऑफ द सर्कल कितीचा असतो 360 तो कट केल्यावर किती येणार 180 आणि आपल्याला प्रूव काय करायचा होता योज तो ज्या रीतीने मी एक साइड प्रूव केला आहे तसंच आपण तिकडच्या साइड पण प्रूव करू शकतो कसं हा एंगल घेणार त्याने कुणाला पकडला आहे एबीसी दिस एंगल इज हाफ ऑफ द एबीसी तसं तिकडनं घ्या या एंगलचं नाव आहे ए बी सी तो हा एंगल कुणाला पकडत आहे एबीसी ला असं सिग्नल प्लस करा कॉमन काढा मेजर आर्क ऑफ द सर्कल ला तो तिकडचं पण आपल्याला भेटणार आहे तो अशा रीतीने आपण इथे सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल थिअरम हा संपवला आहे आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक होता तो हा समाप्त होत आहे पुढच्या लेक्चरला पुन्हा आपण भेटूया तोपर्यंत धन्यवाद थँक्यू सबका केअर